चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। मेडिकल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती बच्ची और परिजनों से मुलाकात करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे से निकलकर सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए। बच्ची के इलाज में देर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खामोश क्यों है। सीएम कमलनाथ को पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समय रहते कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, वरना बीजेपी सरकार आंदोलन करेगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये वास्तव में ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मासूम बच्चियों के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं, 4 साल की मासूम बच्ची मैं अभी देखकर आया हूं, मन दहल जाता है बच्ची की हालत देख के और उसकी मानसिक स्थिति को देखकर। इतनी डरी हुई है कि पिता को छोड़ना नहीं चाहती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में धीरे धीरे जिस तरह का जहर घुल रहा है, इसके लिए शायद सभी को मिलजुल कर कड़े और सार्थक प्रयास करना होंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, ऐसे मामलों में कल बच्ची का उसका इलाज शाम को 7 बजे के बाद शुरू हो पाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, किसी भी ऐसी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस दिया करती थी। आज कांग्रेस की सरकार के जमाने में लगातार एक ही दिन में इस तरह की 3 घटनाएं हो गई अलग अलग हिस्सों में। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी स्थितियों के बाद कम से कम बच्ची को प्रारंभिक उपचार समय पर मिल जाए। दोपहर 12 बजे की घटना है और बच्ची का इलाज रात को 7 बजे प्रारंभ हो पाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरे नहीं हो सकती। और इसके लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को, उनके पूरे सिस्टम को जिम्मेदारी लेना चाहिए। आरोप कल तक आप लगाया करते थे, आज जब आप खुद जिम्मेदार हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, तब मासूम बच्चियों के साथ में इस तरह की घटनाओं के बाद केवल प्राथमिक उपचार में रात को 7 घंटे 8 घंटे 4 साल की मासूम बच्ची को प्रारंभिक इलाज भी ना मिले, क्या बीती होगी उस बच्ची पर, इस पर विचार करके और आगे कुछ करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा कर रही है और साथ में हम कांग्रेस की सरकार को सचेत भी करना चाहते हैं कि समय रहते ऐसे आवश्यक प्रबंध वो करें कि ऐसी घटना ही ना हो, और जहां कहीं ऐसी घटना होती है तो कम से कम प्रारंभिक उपचार उसको तत्काल मिले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से जो करना चाहिए वो करने के लिए मजबूर होगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी मुआवजा देकर उसके वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती जो उस मासूम बच्ची के साथ हुआ है या जहां जहां भी प्रदेश में ऐसा बच्चियों के साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत, मैंने देखा है, बहुत आर्थिक स्थिति, बहुत गरीब स्थिति है, मजदूर है माँ बाप, और इसलिए समय के साथ ही इनको मुआवजा 5 लाख रुपए की राशि कम है, जितना अधिक से अधिक राशि उनको दी जा सके सरकार को देना चाहिए और बेहतर से बेहतर इलाज उसका हो, इसकी चिंता सरकार को करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ही लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अराजकता की स्थिति है, सरकार की पूरी ताकत ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी हुई है, और मुझे आश्चर्य होता है कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग निर्णय करते हैं। एक बार जब ये बात आती है कि इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग से काम पर प्रभाव पड़ रहा है, अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बावजूद भी खुलेआम मंत्री इनके ये कहते हुए घूम रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों को कि हम जब चाहेंगे आपका ट्रांसफर कर देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार अधिकारियों के, कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे से बाहर निकले और प्रदेश की जनता को राहत देने के काम में लगे, जिसके लिए सरकार बनी है, वो होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही कड़े कानून की शुरुआत की थी। बच्चियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी हुआ, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में भी ये निर्णय हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि और भी कानून के स्तर पर कड़ाई की आवश्यकता और उसके साथ साथ समाज के भीतर ऐसी तमाम विकृतियों को समाप्त करने की और दूर करने की आवश्यकता है
जिसके कारण